गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मनीष पटेल ज्ञान दायरे में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। चलिए ठीक है, आप लोग के लिए सूचना यह है कि आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी दोनों का डेट तो पता ही चल गया होगा 15 दिसंबर। तो अपना एक टारगेट बना लीजिए, एनटीपीसी में आपको पता है रीजनिंग कितना आता है और ग्रुप डी में भी पता है आपको रीजनिंग कितना आता है। अब उसी क्वेश्चन को जितना हम कराएंगे, इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से एकदम विधिवत तैयार कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। मैंने एक दिन बताया भी था आपको कि 100% दिक्कत तो नहीं हो आ सकता है, लेकिन ये है कि उसी टाइप के क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। ठीक, चलिए ठीक है। तो जहां से मैंने टॉपिक छोड़ा था उसी के आगे मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो क्वेश्चन आपका लास्ट का था, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया था कि रीजन बराबर 5 और बिलेट बराबर 7 तो गवर्नमेंट बराबर कितना, आपका क्वेश्चन दिया गया था ना। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया था, सभी का आंसर कुछ लोगों ने कमेंट में भी दिया था आंसर को। ठीक, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया था, टोटल नंबर में से घटा दो तो दूसरे वाले में से भी, देखो दूसरे वाले में से भी टोटल नंबर में से एक को घटा दिया गया है, तो लास्ट वाला जो आपका गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में भी टोटल जितने भी लेटर आएंगे उसमें से आप एक कम कर दीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए उसी टॉपिक पे हम आगे चलेंगे। ठीक, थोड़ा नियम चेंज होगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लैक BLACK ब्लैक का कोड C14D7 P हो तो उसी सांकेतिक भाषा में व्हाइट का कोड क्या होगा, WHITE व्हाइट का कोड क्या होगा। इसी टाइप में क्वेश्चन चल रहा था आपका, टाइप मैंने आपको बता भी दिया था क्या टाइप होगा, एक लेटर, दूसरा आपका क्या चलेगा नंबर, फिर लेटर, फिर नंबर और फिर क्या आएगा लेटर। यानी ये सीरीज मैंने आपको बता दिया था, टाइप भी बताया था कौन सा टाइप होता है, लेटर टू नंबर। ठीक, अब लेटर टू नंबर को हम आगे बढ़ाएंगे, देखिएगा कैसे क्या हुआ है इसमें। अब देखिए कोड सभी का पता है, ब्लैक BLACK कोड सबको याद हो चुका है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा बी का कोड कितना, एक, एल का 12, ए का, सॉरी बी का 2 यहाँ पे होगा, ए का 1, सी का 3, के का 11। ठीक, अब पहले वाले को पहले वाले से मैच कराएंगे, जो संबंध इसमें प्राप्त कराएंगे वही संबंध यहाँ भी इसको प्राप्त कराएंगे। ठीक, देखिएगा यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है 3, इसका मतलब एक जुड़ा है, यानी इस लेटर में एक को जोड़ दिया गया, उसको लेटर में बना दिया गया। फिर दूसरे वाले में देखो क्या हुआ, इसमें 2 को ऐड करके, ठीक, इसके एल के कोड में 2 को ऐड करके नंबर के रूप में लिखा गया है, कितना 14 लिखा गया है। ए वाले में देखिए कितना जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है, किसमें रखा गया लेटर के रूप में। उसी प्रकार सी को, सी में देखिए कितना जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है। ठीक, और इसको किसके रूप में रखा गया है, नंबर के रूप में रखा गया है 7। यहाँ पे देखिएगा 11 है, यहाँ पे कितना जुड़ा है 5 जुड़ा है। ठीक, 5 जुड़ने के बाद इसको लेटर में बना दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले में 1 जोड़ा गया, दूसरे में कितना जोड़ा गया 2 जोड़ा गया, तीसरे में कितना जोड़ा गया 3 जोड़ा गया, चौथे में कितना 4 और पांचवे में 5 को जोड़ा गया है। बात यहाँ तक क्लियर है सभी को। ठीक है, अब आगे देखिएगा कैटेगरी कैसे बनानी है, पहला लेटर दूसरा नंबर, पहला लेटर दूसरा नंबर, अगला भी क्या होगा लेटर होगा। तो यहाँ पे W है, W का कोड कितना होता है 23, इसी के नीचे लिख दे रहे हैं,
आगे यही बना रहे हैं। ठीक, तेईस में एक जोड़ा गया कितना हो जाएगा 24, किसके रूप में रखना है, लेटर के रूप में रखना है। ठीक, यहाँ पे देखिएगा आठ है, आठ में दो जोड़ोगे 10 हो जाएगा, किसके रूप में रखना है, नंबर के रूप में रख दो, कितना हो गया 10। इधर है नौ, नौ में कितना जोड़ा जाना है 3, 12 हो जाएगा, 12 के लिए कोड कितना आएगा, एल आएगा। ठीक, अगला देखिएगा यहाँ पे टी है, टी में कितना जोड़ा जाएगा 4 जोड़ा जाएगा। ठीक, तो 20 और 4 मिलकर कितना हो गया 24। ठीक, किसके रूप में रखा जाएगा, नंबर के रूप में रखा जाएगा, कितना हो गया 24। अगला है 5, 5 में 5 जुड़ेगा कितना हो गया 10, 10 किसके रूप में रखा जाएगा, लेटर के रूप में रखा जाएगा। तो आपका आंसर क्या मिल गया, यक्स 10 एल 24 जे, आपका ये बन गया क्या आंसर। क्लियर है सभी को, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। ठीक, किसमें, किस एग्जाम में आया हुआ है, याद है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिएगा ये क्वेश्चन आया था एसएससी एमटीएस में। ठीक ना, डिक्टो सेम क्वेश्चन बताया गया, वही आपका क्वेश्चन ही आया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नोट हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिटा दे रहे हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, व्हाइट बोर्ड पे हम आपको लिखते रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक, नोट कर लीजिए, लिखिए, यदि पार्क का कोड P9Z11, ये आपका जेड है, Z11, तो नेवी का कोड क्या होगा, NAVY, नेवी का कोड क्या होगा, जल्दी से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, इसी टाइप में आपको मिलेगा, जैसे आपने पहला इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी टाइप में होगा, लेकिन टाइप में आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे उतने ही टाइप के क्वेश्चन आपको प्राप्त होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नोट करिएगा, हो गया क्वेश्चन नोट, ठीक, सॉल्व करिए इसको जल्दी से। आ गया सभी को, ठीक है, चलिए देखिएगा, हम बता देते हैं आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक, देखिए हमने आपको नियम बताया था, फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर, ये दो नियम मैंने आपको बता दिया था। ठीक, अब देखिएगा अगर यहाँ पे पी है, यहाँ भी पी है, दोनों में मैचिंग कराएंगे, हम संबंध स्थापित करेंगे, संबंध स्थापित करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेटर की बात करेंगे, यहाँ पी है तो यहाँ भी पी है, यहाँ ए है, यहाँ 9 है, नंबर कहीं ज्यादा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, इतना नहीं इंक्रीज होना चाहिए। यहाँ देखिए 18, यहाँ पे 26 है, फिर यहाँ पे 11, यहाँ पे 11 है, कोई सीरीज आपका यहाँ से प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है। तो जब सीरीज नहीं प्रिपेयर हो रहा है, एक बार हम पीछे से चेक कर लेते हैं लास्ट लेटर से। देखिएगा यहाँ पे 11 है, के का मान 11, 11 में कितना जुड़ा है, 5 जुड़ा है, 11 5 16। ठीक, या अब देखिएगा अगला, देखिए यहाँ पे 18 है, 18 में से डायरेक्ट क्या हुआ है, 9 हो गया है, तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा कहीं कि ये तो भाग में हो गया। ठीक, तो ऐसे भी नियम आपके नहीं बनते हैं। ठीक, जब ये सब नियम आपके गलत हो जाए, ठीक, तो उस केस में हमारे दिमाग में अपोजिट निकल के आता है। क्या निकल के आता है, अपोजिट। मैंने बताया था कि जब दो लेटरों का योग 27 हो जाए तो वह दोनों लेटर आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक, आप देखिएगा पीछे से साफ साफ नजर आ रहा है कि ये सब आपस में किसके रूप में चल रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं। ठीक, एक लेटर बनाया गया, दूसरा नंबर, फिर उसके बाद लेटर, फिर उसके बाद क्या नंबर बना लिया गया है। ठीक, आप देखिएगा 11, यहाँ पे 11, यहाँ पे 16 हो गया, दोनों का योग कितना 27, तो के और पी आपस में क्या मिला, विपरीत मिल गया। ठीक, इसका मतलब क्या नियम लेके चलेगा, विपरीत का नियम लेकर के चलेगा। ठीक, आप देखिएगा 18, ठीक, 18 और 9 कितना 27,
संख्या के रूप में रखा गया। ठीक, अगला देखिएगा, ए का अपोजिट क्या, जेड, लेटर के रूप में रखा गया। अगला क्या होगा, 16, 16 का अपोजिट कितना, के, 11। ठीक, किसके रूप में रखा गया, संख्या के रूप में रख दिया गया। तो उसी प्रकार यहाँ पे देख लेंगे वाई का, ठीक, वाई का कितना हो जाएगा, 25, 25 और दो कितना, 27, इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे बी आएगा, किसके रूप में, लेटर के रूप में रखा जाएगा। यहाँ पे 22 है, 22 कितना, 27, 5 27, यहाँ पे किसके रूप में रखा जाएगा, संख्या के रूप में रखा जाएगा। अगला है एक, ठीक, एक में कितना जोड़ा जाएगा, 26 जोड़ा जाएगा, 26 का मतलब क्या, लेटर के रूप में रखना है, जेड आ गया। ठीक, फिर यहाँ पे एन है, ठीक, 14, ठीक, इसका अपोजिट क्या होता है, यम होता है, मतलब 13, किसके रूप में रखा जाएगा, नंबर के रूप में रखा जाएगा। ठीक, तो आपका आंसर मिल गया क्या, 3, 5, Z, 13, नोट कर लीजिए। समझ में आ गया सभी को, ठीक। अब इस टाइप पे हम एक क्वेश्चन और कराएंगे, इसके बाद आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बनाया जाता है यहाँ से, उसको हम देखते हैं, ठीक ना। एक क्वेश्चन यहाँ से और कर लेंगे बस, इसके बाद नहीं करेंगे, ठीक, मिटा रहे हैं इसको। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा, क्वेश्चन नोट करिए, यदि लाइट का कोड LIGHT, लाइट का कोड Y12J11 M हो, तो टावर का कोड क्या होगा, TOWER, टावर का कोड क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लगा दीजिए, ठीक। कहां से चलेगा, अब देखिए फर्स्ट लेटर की बात करेंगे, नंबर काफी ज्यादा जुड़ जा रहा है, ठीक, तो कोई सीरीज आपका यहाँ से बैठेगा नहीं, जब इस केस में कोई सीरीज नहीं बैठेगा तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाले से चलते हैं ना, ठीक, तो लास्ट वाले पे सेटअप बनाओ, देखो बैठेगा कि नहीं बैठेगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 20 है, 20 और 5 कितना, 25, ठीक, यहाँ पे 8 है, 8 और 4 कितना, 12, ठीक, एक लेटर दूसरा नंबर, लेटर नंबर फिर लेटर, ठीक। इसी प्रकार आगे देखिएगा, यहाँ पे 7 है, 7 में कितना जोड़ा, 3 जोड़ गया, 10 हो गया, 6 रखा गया। आई है, आई में कितना जोड़ा गया, 2 जोड़ दिया गया, 9 और 2 कितना हो गया, 11 हो गया। यहाँ पे देखिएगा 12 है, 12 में कितना जोड़ दिया गया, 1 जोड़ दिया गया। इसका मतलब देखिए यहाँ पे एक सीरीज तैयार हुआ कि नहीं, घटते हुए क्रम में 5, 4, 3, 2 और 1, उसी प्रकार हम यही पे ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक, और लेटर टू नंबर में अपने आप चेंज कर लेना इसको, ठीक। देखिएगा यहाँ पे 5 जुड़ेगा, सॉरी यहाँ पे 5 जुड़ेगा, यहाँ पे 2 जुड़ेगा, सॉरी 4 जुड़ेगा, यहाँ पे 3 जुड़ेगा, यहाँ पे 2 जुड़ेगा और यहाँ पे 1 जुड़ेगा। तो 18 है, आर का 18 होता है, 18 में 5 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 23 हो जाएगा। 23 का मतलब क्या रखा जाएगा, डब्लू रखा जाएगा। यहाँ पे 5 है, ठीक, 5 में कितना जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा, 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक। यहाँ पे 23 है, 23 में कितना जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा, 23, 3, 26, किसके रूप में रखा जाएगा, लेटर के रूप में रखा जाएगा। यहाँ पे 15 है, 15 में 2 जोड़ तो कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक, तो 17 किसके रूप में रखा जाएगा, नंबर के रूप में रखा जाएगा। अगला है 20, 20 में 1 जुड़ेगा कितना होगा, 21, किसके रूप में रखा जाएगा, लेटर के रूप में रखा जाएगा। बात क्लियर है, ठीक, नोट कर लीजिए, समझ में आ गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके यहीं पे समाप्त हो जाते हैं, ठीक। अब यहां से आपका जो टॉपिक शुरू होता है, इसी कोडिंग डिकोडिंग का ही टॉपिक है आपका, जो मैंने आपको बताया था काफी इंपॉर्टेंट होता है, और कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक, काफी हार्ड होता है, ठीक, जिसे हम कहते हैं त्रिअक का नियम, ठीक।
क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है ना, क्वेश्चन को सही से पहचान नहीं पाते त्रिक के नियम में, ठीक ना। तो पहचानना हमें भी आपको बता देते हैं कैसे क्वेश्चन को पहचान किया जाएगा और फिर सॉल्व कैसे किया जाएगा। क्लियर है? ठीक, क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, तो आपका जो टॉपिक है आपका लिखिएगा त्रिक का नियम, त्रिक का नियम, ठीक। और आपको मैं ये भी बता दे रहा हूं कि कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर समाप्त होने वाला है, एक से दो लेक्चर में आपका एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा और आपको 50 क्वेश्चन का टेस्ट कराया जाएगा, ठीक ना। और 50 क्वेश्चन के लिए हम टाइमिंग भी उतने कम रखेंगे जितना आपका एग्जाम में मिलता है, ठीक है। अब यहीं पे हम उसको सॉल्व करा देंगे, ठीक। 50 से 50 क्वेश्चन हम डेली सॉल्व कराते रहेंगे, जैसे टॉपिक खत्म होगा तुरंत उसको हम सॉल्व करा देंगे, ठीक ना। 50-50 क्वेश्चन सभी के, ठीक। तो पहले पढ़ लेते हैं त्रिक का नियम। त्रिक का नियम क्या होता है, जैसे आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पहले मिलता था वैसे यहाँ भी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड वही मिलेगा। जैसे लिखा जाएगा किसी सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा गया है तो इतने को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस नियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक ना। लिखिएगा त्रिक के नियम में, लिखिए यदि मास्टर MASTER मास्टर का कोड D16W22 U8 लिखा गया हो, तो हम्बर का कोड याद करें HUMBLE, हम्बर का कोड याद करें, ठीक। देखिएगा ये सब किसके नियम में आते हैं, त्रिक के नियम में आते हैं, ठीक ना। देखिएगा यहां से अगर आप सोचो कोई सीरीज हम बना के तैयार कर लें तो कोई भी सीरीज आपका यहाँ से बनेगा नहीं, ठीक ना। इस केस में हम क्या करते हैं, तुरंत दिमाग लगाएंगे कि कहेंगे हमारे पास एक और अस्त्र है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, त्रिक का नियम कहते हैं, ठीक ना। तो त्रिक के नियम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे 13 है, यम का मान 13 है, ऐसे बना लो यहाँ पे 13, 1, 19, 20, 5, 18, ठीक ना। अब देखिए आपके सामने चीजें नजर आ रही हैं, आपको अस्पष्ट रूप से ये नहीं बता पा रहा है कि इसमें इतना जुड़ेगा, ठीक। अब देखिएगा त्रिक के नियम में कैसे सॉल्व किया जाएगा, ए वाले को इधर लाएंगे और एम वाले को इधर ले आएंगे, इसका मतलब क्या किया गया है, दो दो के जोड़ा बना करके उसको आपस में त्रिक कर दिया गया है, इसको भी और इसको भी। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे प्लस 3 किया गया है और यहाँ कितना किया गया, प्लस 3 किया गया है, एक से 3 जोड़ोगे कितना मिलेगा, 4, किसके रूप में रखा जाएगा, लेटर के रूप में रखा जाएगा। तो 13 में 3 जोड़ोगे कितना मिलेगा, 16, नंबर के रूप में रखा गया। इसी प्रकार एस और टी को आप देखिएगा यहाँ पे 3 जोड़ोगे, पहले 20 वाले में देखेंगे 20 और 3 कितना, 23, 23 का मतलब डब्लू, 19 और 3 कितना, 22। इसी प्रकार ई और आर को देखो, 18 3 कितना, 21, ठीक, और 5 और 3 कितना, 8। बात समझ में आई? अब इसका मतलब सभी में क्या हुआ है, 3 3 का एडिशन करके उसे उल्टा कर दिया गया, यानी त्रिक के रूप में रख दिया गया, ठीक ना। तो उसी प्रकार इसको बना लो, ये होगा 21 में 3 जोड़ो कितना मिलेगा, 24, किसके रूप में होगा, लेटर के रूप में। 8 है, 8 में 3 जोड़ दो कितना, 11, किसके रूप में होगा, संख्या के रूप में। इसमें भी देखो पहले बी में जोड़ेंगे, 2 और 3 कितना, 5, 5 का मतलब ई, ठीक। 13 में 3 जोड़ दो कितना मिल गया, 16, 5 में 3 जोड़ दो कितना मिल गया, 8, 8 का मतलब एच, एल में 3 जोड़ दो, 12 3 15, 15 का मतलब पूरा 15। तो आपका एग्जैक्टली जो आंसर निकल के आया वो आपका है X11, E16 और H15, ये आपका आंसर हो गया।
क्लियर है सभी को, ये त्रिक का नियम समझ में आया? ठीक, अब देखिए क्वेश्चन पहचाना कैसे जाता है, ये मैंने आपको थोड़ा कम बताया। अब देख लीजिए क्वेश्चन को पहचान कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे दिमाग में बैठाएंगे, त्रिक का ही नियम फॉलो करेगा। कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा सर ने बताया है कि ऐसे हम पहचानेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक, तो क्वेश्चन को पहचानने का तरीका ये, थोड़ा सा आपके टाइम तो जरूर लेगा, लेकिन जैसे पहचान जाओगे टाइम वहां पे आपका खत्म हो जाएगा, जल्दी से आप निकाल के आंसर दे सकते हो। कैसे देखिएगा, यहाँ पे मास्टर जो लिखा गया और इसका जो कोड बनाया गया है, ठीक ना। अब इसमें अगर हम जो जनरली अब तक सॉल्व करते चले आए हैं कि पहले का लास्ट का लास्ट से है ना, इस तरीके से, या लास्ट का फर्स्ट से, तो इस तरीके से कोई भी नियम यहाँ पे फॉलो कराएंगे तो आपका फॉलो नहीं होगा। ना तो कोई आपका सीरीज बनाएगा कि एक जोड़ रहा है, दो जोड़ रहा है, तीन जोड़ रहा है, चार जोड़ रहा है, ना तो पीछे जाएगा पांच चार तीन दो एक का नियम बना रहा है। ठीक, ना उसमें कुछ गुणा किया जाएगा, ना कुछ भाग किया जाएगा। फिर देखेंगे अपोजिट का नियम, अपोजिट भी फॉलो नहीं हो रहा है तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा तुरंत, ये तो भाई त्रिक का नियम ही सॉल्व करा पाएगा इसको। क्वेश्चन पहचान गए? ठीक, समझ में दिया गया सभी को? चलिए इसी पे एक क्वेश्चन और कराएंगे अभी, है ना, एक क्या दो तीन क्वेश्चन करा देंगे। चलिए मिटा दे रहे हैं इसको, समझ में आ गया भाई सभी को? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा, यदि प्रताप का कोण PRA TAP, प्रताप का कोण PRA TAP, प्रताप का कोण S18W5U7, S18W5U7 लिखा गया हो, तो शक्ति का कोण क्या होगा? SHAKTI, शक्ति का कोण क्या होगा? उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक, सॉल्व करके जल्दी से हमको बताइए। जल्दी सॉल्व करिए भाई इसको, बन गया? चलिए ठीक है, यहां देखिए इसको हम त्रिक करेंगे डायरेक्ट, ठीक ना। कोड लिख लीजिए, अगर मर्जी आपका कोड लिख लीजिए, अगर कोड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है तो हम लिख देते हैं 16 18 1 20 1 16, ठीक ना। आप देखिएगा यहाँ पे 19 है, यस का मतलब 19 ना, ठीक, तो कितना जोड़ा गया है, एक जोड़ा गया तो 18 और एक कितना हो गया 19 का मतलब कितना, एस लेटर के रूप में रखा गया। यहाँ क्या जुड़ा है, 16 दो 18 जुड़ा गया है। अगला देखिएगा 20 और 3 कितना 23, ठीक, डब्लू लिखा गया है। अगले में देखिएगा 1 और 4 कितना 5, ठीक, इसमें देखिएगा 16। अब देखिए यहाँ पे सीरीज बना आपका, पहले में 1 जुड़ा, दूसरे में 2 जुड़ा, फिर अगले में 3, अगले में 4, तो अगले में क्या होगा 5 जुड़ेगा ना, 16 और 5 कितना 21, 21 का मतलब यू, ठीक। अगला देखिएगा तो अगले में क्या जुड़ेगा 6, तो 1 और 6 कितना 7, बात समझ में आई। अब देखिएगा उसी प्रकार इसको कर दीजिए त्रिक के नियम से, कि यहाँ पे 8 है, 8 में 1 जुड़ेगा, ठीक, 8 में 1 जुड़ेगा, यानी इस क्रम को उल्टा सीधा किया गया। देखो यहाँ पे 1 जुड़ेगा, यहाँ पे 2 जुड़ेगा, अगर यहाँ पे 3 जुड़ेगा तो यहाँ कितना जुड़ेगा 4 जुड़ेगा, यहाँ पे 5 जुड़ेगा तो यहाँ कितना जुड़ेगा 6 जुड़ेगा, और सभी को ऐसे गुणे के रूप में यानी त्रिक के रूप में हम रख देंगे। तो 8 और 1 कितना 9, 9 का मतलब आई, ठीक, 19 और 2 कितना 21 नंबर में रखो, 11 और 3 कितना 14, 14 का मतलब एम, ठीक, और 1 और 4 कितना 5, 5 का मतलब अंक में सीधे रखो इसे। फिर अगला देखिएगा 5 में कितना जुड़ेगा 5 जुड़ेगा, 5 5 10 का मतलब जे, और 20 और 6 कितना 26, आपका सीधा नंबर में रखा जाएगा। ये बात क्लियर है? ठीक, बताइए कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं, आपको देखो मैंने इसमें दो बताया,
एक तो नियत संख्या जुड़ रही थी, एक तो नियत संख्या जुड़ रही थी, दूसरा क्या नियम निकल के आया इसमें, ठीक संख्याएं बढ़ते क्रम में जा रही थी, किसके क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक ना, बढ़ते क्रम में। अब इसी में और एक बनता है घटते क्रम में, घटते क्रम में, बात समझ में, हाँ इस तरीके से इतने टाइप क्वेश्चन यहां से बनेंगे। और एक टाइप आपका बनाएगा जैसे चार लेटर हैं इधर, टोटल 9 लेटर होंगे, इधर चार, ठीक, और बीच में ऐसा होगा, इन सभी को आपस में ऐसे ऐसे किया जाएगा और इसको सीधा रखा जाएगा, इसको ऐसे, फिर अगले वाले को ऐसे, बात समझ में, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब एक क्वेश्चन को हम करा देंगे इस टाइप से, ठीक है। इसी में एक टाइप आपका बनाता है अपोजिट में भी, किसके रूप में, अपोजिट के रूप में, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अपोजिट के रूप में भी देख लो कैसे अपोजिट के रूप में बनता है, लिखिएगा यूनिक, यू एन आई, यू एन आई, क्यू यू ई, यूनिक का कोड, यूनिक का कोड M6J18B6 है, M6J18B6 है, M6J18B6 है, तो फ्लावर का कोड क्या होगा, FLOWER, फ्लावर का कोड क्या होगा, लगाइए भाई आप लोग, फ्लावर का कोड क्या होगा, चलिए बच्चों देखिए, अब इसमें जो आपका अपोजिट वाला पार्ट बनता है इसे कहते हैं विपरीत, विपरीत टाइप के प्रश्न, विपरीत टाइप के प्रश्न, ठीक ना, हाँ विपरीत टाइप के प्रश्न। आप देखिएगा फिर वही नियम हम अप्लाई कराएंगे, यू एन को आपस में पढ़ लेंगे, देखिएगा यहाँ पे जो आपको मैंने बताया सीरीज के रूप में, अब यहाँ भी वही नियम अप्लाई कराएंगे, कोई भी आपका सीरीज सही से नहीं बैठेगा, और साफ साफ दिखाई पड़ रहा भैया कि 21 में हम 6 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा, तो कहीं कहीं 6 जो है यह तो होना चाहिए था, लेकिन किसके रूप में रखा गया, यहाँ पे संख्या के रूप में रख दिया गया है, ठीक, तो वही नियम आपका बनाएगा क्योंकि टाइप आपका चल रहा है लेटर एंड नंबर, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पे एन है, एन का अपोजिट क्या होगा, एम होगा, यू का अपोजिट क्या होगा, एफ होगा, एफ को लिखा गया डायरेक्ट संख्या के रूप में, ठीक, क्यू का अपोजिट कितना, क्यू का अपोजिट कितना, 17, 17 था 27 जे, ठीक, आई का अपोजिट कितना हो जाएगा, आर, ई का अपोजिट बी, ठीक, आर को रखा जाएगा लेटर, ओ सॉरी संख्या के रूप में, ठीक ना। इसी प्रकार आगे देखिएगा 5 है ना, तो 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 22, 22 का मतलब बी, और 21 और 6 कितना हो जाएगा, 27, बात समझ में, हम तो भाई डायरेक्ट नंबर से कर लेते हैं, आप लोग भी प्रयास करिए डायरेक्ट नंबर से कर दीजिए, काउंट करिए नंबर के रूप में, ठीक, लिखिए लेटर के रूप में या नंबर के रूप में, ठीक ना, जैसा आपका क्वेश्चन बताया जाए। इसी प्रकार देखिए फ्लावर का, देख लीजिए फ्लावर का, ठीक, एल का अपोजिट कितना, 12, 15, ठीक, लव कितना हो जाएगा, ओ, ठीक, ये 6 है कितना आएगा, 21, ये डब्ल्यू है कितना आएगा, 4, डी, ये 15 है कितना आएगा, एल, एल मतलब 12, ठीक, ये आर है, आर का अपोजिट कितना हो जाएगा, आई, आई मतलब आई रखा जाएगा, ये 5 है कितना रखा जाएगा, 22 रखा जाएगा, तो आपका आंसर क्या मिल गया, ओ 21D12I22, ओ 21D12I22, बात समझ में आई, ठीक है। तो ऐसे भाई क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक ना,
प्रिपेयर रहिए, जितने टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं उस पूरे टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पे कराएंगे आपको, ठीक ना, बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक ना, और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद ऊपर जो नोटिफिकेशन का बेल होता है उसको भी दबा दिया करिए, है ना। इससे क्या फायदा होगा आपको, जो भी हम नोटिफिकेशन यहाँ देंगे आपका हमारा जैसा भी वीडियो पड़ता रहेगा आपके पास वो मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक ना। और मॉर्निंग हम 8 AM पर, 8 AM ठीक, सुबह में 8 बजे लाइव क्लास आपको देते हैं, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो आप तुरंत लाइव चैट में हमको उस क्वेश्चन को दे सकते हैं और आपको वहां पे सॉल्यूशन भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा अगर आप लोग का सहयोग रहा तो डायरेक्टली हम लाइव भी आ जाएंगे कुछ दिन में, ठीक, डायरेक्ट आपको फेस किया जाएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक, वो आता है स्वर और व्यंजन के आधार पर वावेल एंड कॉन्सोनेंट, ठीक, वावेल एंड कॉन्सोनेंट बेस्ड टाइप क्वेश्चन, ठीक ना, स्वर और व्यंजन के रूप में, स्वर और व्यंजन के रूप में। चलिए हेडिंग दीजिएगा स्वर यम व्यंजन पर प्रश्न। यहां से भी भाई बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक ना, क्योंकि यहां पे कोई अपन नियम नहीं बनाता है, ठीक, बस आपको पहचानना होता है कि ये स्वर है और ये व्यंजन है। तो आपको स्वर और व्यंजन पता है ना, कितने वावेल होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं। चलिए जब अल्फाबेट पढ़ ही रहे हो तो भी जान लो, अगर मान लीजिए कोई भूल गया हो तो आपके ए ई आई ओ यू, ये जो आपके 5 लेटर हैं, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं वावेल, वावेल, और हिंदी में इसे कहते हैं स्वर, ठीक। इन 26 लेटर में 5 लेटर आपके क्या होते हैं, स्वर होते हैं, ठीक, और 21 जो बचे शेष हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, है ना, बात समझ में। तो कितने वावेल, 5, ए ई आई ओ यू, ठीक, इसी पे आधारित आपका क्वेश्चन होगा, ठीक ना। क्वेश्चन को नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रेस TRACE ट्रेस का कोड, TRACE ट्रेस का कोड USADE लिखा गया हो तो टाइगर का कोड क्या होगा, TIGER टाइगर का कोड क्या होगा। देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देख लो कैसे बनेगा, ठीक। अब इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम आता है, अगर आपको देगा भी तो क्लर्कियल एग्जाम में देगा, ठीक ना, क्लर्कियल एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज NTPC वाले में अभी तक तो इस टाइप क्वेश्चन नहीं दिखाई पड़े हैं, ठीक। हाँ, SSC में 2014 के पहले इस टाइप के क्वेश्चन मिलते थे, प्रेजेंट टाइम में इस टाइप का भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। CGL लेवल में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन जो त्रिया वाला मैंने बताया था उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसी टाइप के आपके क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ पे, UPSI में, ठीक, UPSI में, यानी जितने भी आपके ग्रेजुएशन लेवल के जॉब हैं उन सब में, ठीक ना, एक एक बार क्वेश्चन लगभग पूछ लिया गया है, ठीक। आप प्रैक्टिस सेट उठा करके आप पेपर उठा करके देख सकते हैं, ठीक ना, आपको डेली का डेली अपडेट यहाँ पे किया जा रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है, क्वेश्चन किस टाइप में आ चुका है, ठीक ना। तो एक संभावना के बीच में प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि जो भी नए क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, तो ये देखा जाता है कि
एक कैंडिडेट की इस क्वेश्चन को कितना ज्यादा अटेम्प्ट किया हुआ है, ठीक ना। अगर अटेम्प्ट की परसेंटेज कम होती है तो उसको भी किसी न किसी एग्जाम में उठा करके क्वेश्चन को दे देता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नोट करिएगा, क्वेश्चन नोट हो गया सभी का, चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिएगा यहाँ पे 20 है, यहाँ पे कितना है 21 है, कितना जोड़ा गया एक जोड़ा गया। यहाँ पे 18, यहाँ पे 19 है, कितना जोड़ा गया एक जोड़ा गया। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, इस हिसाब से तो एक और एक कितना होना चाहिए था, दो होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे क्या रखा गया है, ए रखा गया है। यानी ये आपका कौन सा पार्ट होता है, स्वर वाला पार्ट होता है, वावेल का पार्ट है, वावेल का पार्ट नो चेंज, वावेल का पार्ट नो चेंज। बात समझ में आई, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा ये तो कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे जुड़ना चाहिए, तीन और एक कितना चार, ठीक। अगला देखिएगा जो नियम यहाँ फॉलो हुआ है क्या है, इस पे भी लागू होगा। देखिए यहाँ पे पांच है, नियम था कितना जुड़ना चाहिए था, एक जुड़ना चाहिए था, लेकिन क्या प्रॉब्लम आ गई, ये तो आपका भैया क्या है, वो आवेल है, ठीक। तो आवेल में क्या होगा, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। बात समझ में आई, तो जितने भी यहाँ पे व्यंजन है उन सभी में एक एक जोड़ दो, और जो आपके स्वर है यानी वावेल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ देखिए 20 है, 20 और है कितना 21 का मतलब यू। ये आपका आई है, आई में कोई परिवर्तन नहीं क्योंकि ये आपका स्वर है। जी है, जी में एक जुड़ जाएगा, ये तो आपका कॉन्सोनेंट है, कितना हो जाएगा ई एच आ जाएगा, ठीक। ई है, ये तो आपका वावेल है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। 18 है, 18 में एक जुड़ जाएगा क्योंकि कॉन्सोनेंट है, क्या बना लेगा 19 बना लेगा, ठीक। तो क्या हो गया यू आई एच ई एस, बात समझ में आ गई भाई। चलिए अब भाई ये टॉपिक आपका यहां पे हो जाता समाप्त, ठीक ना। अब एक पार्ट आपका यहाँ से और बचेगा, ठीक। और आप लोगों के लिए एक होमवर्क हम दे रहे हैं, ये होमवर्क हमको हर हाल में वीडियो के लास्ट में, ठीक ना, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए जो हम क्वेश्चन देने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, ये समझ में आया। हाँ फिलहाल इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन का ट्रेंड अब ओल्ड हो चुका है, मॉडर्न पे है, ये न्यू मॉडर्न पे है ना, ठीक। चलिए तो एक क्वेश्चन हम लिख लीजिएगा होमवर्क के रूप में, लिखिएगा क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सॉलिड एस ओ एल आई डी सॉलिड का कोड, सॉलिड का कोड डब्ल्यू पी एस एल, डब्ल्यू पी एस एल एस एल, नोट हो गया तक का, आगे लिखिएगा एस एल, आगे लिखिए पी आई एम एफ, पी आई एम एफ, पी आई एम एफ, आगे लिखिएगा एच ए, एच ए हो तो किस कूट शब्द के रूप में, किस कूट शब्द के रूप में ए टी ई एक्स, ए टी ई एक्स, ए टी ई एक्स, फिर आगे लिखिएगा एक्स क्यू आई बी, एक्स क्यू आई बी, एक्स क्यू आई बी, बी ओ लिखा गया होगा, लिखा गया होगा। अब देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन, अब यहां पे संबंध आप देखिए, सिर्फ बस इसका संबंध क्या दिया गया है, इतना पार्ट दिया गया है और पूछ लिया गया दूसरे वाले पार्ट में, दूसरा वाला पार्ट दे रखा है, पूछ लिया गया कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट, ठीक ना, फर्स्ट पार्ट बराबर क्या होगा। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट को निकालना है, यही आपको यहाँ पे ध्यान करना होगा। बात समझ
कहते हैं कंपेरिजन स्टाइल, तुलनात्मक है, तुलनात्मक प्रकार, तुलना के द्वारा किया गया क्वेश्चन या तुलना के द्वारा कोड प्राप्त करना। क्या कहते थे? तुलना के द्वारा कोड प्राप्त करना, तुलना के द्वारा कोड प्राप्त करना। ठीक, ये भी कलर के एग्जाम में खूब आता है क्वेश्चन, ठीक है। और पिछली बार रेलवे की बात करते हैं, रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में खूब क्वेश्चन पूछा गया था। हर सेट में एक एक दो दो क्वेश्चन दिया गया था, ठीक ना। बहुत क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नोट करिएगा, देख लीजिए कैसे होता है। एक क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक, कि कैसे कैसे इस टाइप का क्वेश्चन होता है। पुराना क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक ना। पहले उसको हम समझेंगे कैसे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद हम आपको नए क्वेश्चन देंगे, ठीक ना। पहले एक क्वेश्चन हम ओल्ड वाला सॉल्व कर लेते हैं जो एग्जाम में आ चुका है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, पिटनी टॉम का अर्थ एप्पल इज ग्रीन, APPLE एप्पल इज ग्रीन। क्लियर है? थोड़ा सब छोटा छोटा हुआ है, ठीक ना। तो ओरल आप ऑडियो को सुनते रहिएगा, ठीक। पिटनी टॉम का अर्थ है एप्पल इज ग्रीन। आगे लिखिएगा, नी फार हो का अर्थ है ग्रीन एंड व्हाइट, सफेद वाला है ना, ग्रीन एंड व्हाइट। अगला लिखिएगा, हो टॉम का अर्थ है shirt is white, ठीक। तो पूछा गया है आपसे कि एप्पल का कोड क्या होगा, किसका, एप्पल का, APPLE एप्पल का कोड क्या होगा, ठीक है। देखिएगा, ये क्वेश्चन देखने तो बहुत लंबा लगता है क्योंकि ये समीकरण के रूप में होता है, किसके रूप में, समीकरण के रूप में होता है, ठीक। अगर हम इसको लेट कर लें, एक दो तीन, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इसको आप और सुन लीजिए, ठीक ना। बाकी सॉल्व करने में भी ये बहुत कम समय लगता है, लेकिन आपको जो पहली बार पढ़ रहा है इस टाइप क्वेश्चन को, वो जरूर इसमें समझे कैसे कैसे होता है। अब देखिएगा, हम पहले क्वेश्चन की बात करें, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, पिट नी टॉम, ठीक। अब पिट नी टॉम ये तीनों अलग अलग वर्ड हैं, ठीक। अब इसका जो कोड बनाया गया है, एप्पल इज ग्रीन। अब एप्पल इज ग्रीन में टॉम का कौन सा कोड है, नी का कौन सा कोड है और पिट का कौन सा कोड है, ये हमें कंफर्म नहीं है, ठीक। तो जब आपको ये कोड निर्धारित नहीं है कि आपका एग्जैक्ट इसके बराबर ही होगा, अब तक हम क्या प्राप्त करते थे, पहले को पहले से तुलना करके निकाल देते थे, ठीक ना, विद नियम से। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अब आपको सीधा सीधा ऐसे दिया जाएगा समीकरण के रूप में, लेकिन आपको कंफर्म नहीं दिया जाएगा कि पिट का कोड एप्पल ही होगा या इज ही होगा या तो ग्रीन होगा, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। बात समझ में आई? तो
ग्रीन टाउन का अर्थ क्या है, एप्पल इज ग्रीन। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी हम दो समीकरण को उठाएंगे और उसमें से हम ये देखेंगे कि इसमें से कौन सा वर्ड आपका कॉमन है, तो जो कॉमन इसमें होगा वही कॉमन इसमें भी प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, तो देखिएगा यहाँ से पहले और दूसरे समीकरण की अगर हम बात करें, पहले और दूसरे समीकरण की बात करें तो यहाँ पे देखिए कितनी टर्म है, यहाँ पे नी फार हो है, तो कहीं कहीं आपका नी और नी क्या है, कॉमन है। ठीक, यहाँ पे देखिए कौन सा वर्ड आपका कॉमन है, ग्रीन है, और यहाँ भी क्या है, ग्रीन है। इसका मतलब एक चीज पता चल गया कि नी एन ई ए नी का कोड कितना मिला, ग्रीन मिल गया। जो दोनों में कॉमन होगा वही आपका होगा यहाँ पे, ठीक ना। अगला देखिएगा, अब देखिए दूसरे और तीसरे को हम अप्लाई कराएंगे, दूसरे और तीसरे को अप्लाई कराएंगे, लेकिन एक बात दिमाग में हमेशा बनाए रखना कि हमको निकालना किसका है, एप्पल का। तो जहां आपको एप्पल है उस वाले पार्ट पे विशेष ध्यान देंगे। बात समझ में आई? ठीक, अब देखिएगा दूसरे और तीसरे के समीकरण, देखिए यहाँ पे हो है, यहाँ भी क्या है, हो। ठीक, यहाँ आपका क्या है, व्हाइट है, यहाँ भी आपका क्या है, व्हाइट है। बात समझ में आई? ठीक, तो यहाँ पे देखिए हो का क्या मिल गया, व्हाइट, हो का कोड क्या मिल गया, व्हाइट। अगर यहाँ से हमें इज का मिल जाए, इज का कोड क्या बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है, तो हम एप्पल का आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? अब देखिएगा पहले और तीसरे में दोनों में इज इज है, ठीक, फोकस बना लिया किस पे, इज पे। अब यहाँ पे देखिएगा कितनी टर्म है, यहाँ भी टर्म है, यहाँ भी टर्म है, ठीक, और इसको इसको क्या कर दो, काट दो। इसका मतलब इज का क्या मिलेगा, तो हम मिल जाएगा, बचा क्या आपका, एप्पल। एप्पल का कोड क्या हो जाएगा, ठीक, एप्पल का कोड क्या हो जाएगा, ठीक। समझ में आया भाई? हाँ, कोई ये मत कहना भैया कि नहीं समझ में आया, है ना, बहुत देर से इस पे लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन जो एक बार इसको ध्यान से सुना होगा आसानी से उसके दिमाग में ये चीज बैठ गया होगा, ठीक ना। अब दूसरे क्वेश्चन में उसको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई? ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, समझ लीजिए आसानी से। ठीक, हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा इसी पे। अब इसको हम इतना ज्यादा तुलनात्मक नहीं लिखेंगे, अब एक क्वेश्चन पे आप लोग देख चुके हो, अब क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक ना। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, लिखना 786 का अर्थ गिव मी एप्पल A-P-L-E, गिव मी एप्पल। आगे देखिएगा 958 का कोड, 958 का कोड, ईट ग्रीन एप्पल। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा 645 का कोड, गिव ग्रीन फ्रूट, 645 गिव ग्रीन फ्रूट, FRUIT, गिव ग्रीन फ्रूट। बात समझ में आई? पूछा क्या है आपसे कि कह रहा मी के लिए कौन सा कोड आएगा, मी के लिए कौन सा कोड आएगा, तो तुरंत जिस दिमाग में बैठा लो मी कहाँ है, पहले वाले में। अगर आपको गिव और एप्पल का पता चल जाए तो मी का तो आसानी से पता चल जाएगा। ठीक, अब देखिएगा पहले और दूसरे में 8-8 कॉमन है, इसमें से कौन सा वर्ड कॉमन है, एप्पल है, काट दो तुरंत उसको, काट दो। ठीक, अब देखिएगा दूसरे और तीसरे में क्या है, ग्रीन है, ग्रीन काटो, यहाँ से क्या है, 5 है, इसको काटो। ठीक, अब
देखिएगा पहले और तीसरे में 6 कॉमन है, 6 को हटाओ तुरंत। यहाँ क्या है, यहाँ गिव है, ठीक। बचा क्या, मी, मी के लिए क्या आ गया, सा, मी के लिए क्या आ गया, सा। आंसर बताओ कितना आसान, जो कॉमन मिले तुरंत उसको वहीं पे काट दो, ठीक ना। हमें लगता है 100 सेकंड नहीं लगा होगा, बस काटने में जो टाइम लगा होगा लगा होगा। क्लियर है ना सभी को? चलिए ठीक है, अब यही लास्ट टॉपिक आपका चल रहा है, ठीक ना। इसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा समाप्त, इस पे और क्वेश्चन कराने की आवश्यकता है नहीं, ठीक। चलिए अब इस पे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, कम से कम प्रैक्टिस के लिए 8 क्वेश्चन आप लोग जिस किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन खोज खोज के 8 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व कर लेना, ठीक ना। 2 क्वेश्चन हम यहाँ बता दिए हैं, 8 क्वेश्चन अपने मन से सॉल्व कर लोगे कितना हो जाएगा, 10 क्वेश्चन हो जाएगा, और 10 क्वेश्चन आसानी से यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। इसी में आपका एक केस बनाता है, ठीक, आर के रूप में, ठीक। कहेगा या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है, या तो आइदर आर नाइदर नॉर, आइदर आर नाइदर नॉर का केस अप्लाई होता है। तो आइदर आर और नाइदर नॉर का जो होता है, ठीक ना, आइदर आर का जो केस इसमें आता है या तो या वाले में कुछ नहीं होता। जैसे आपका अभी मैंने इसके पहले बताया था सेम वही होता है, बस क्या होगा कि जैसे मैंने पिट का बताया, पिट के लिए आपको 2 मिलेगा, 2 कोड दिखाई पड़ेगा, ठीक। जैसे मान लीजिए आपका आ गया शर्ट, ठीक, और दूसरा आपका आ गया पूल, 2 चीज मिल गया। तो पिट के लिए अगर पूछेगा पिट के लिए क्या होगा, तो आपके आंसर में क्या लिखा रहेगा, या तो शर्ट, या तो शर्ट, या तो क्या, पूल। बात समझ में, बस यही इतना अंतर होता है, बाकी कुछ नहीं। सॉल्व करने का तरीका जैसे मैंने बताया सेम वैसे ही होता है, ठीक। चलिए ठीक, एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, प्रतिस्थापन द्वारा कोड ज्ञात करना, प्रतिस्थापन द्वारा कोड ज्ञात करना। प्रतिस्थापन द्वारा कोड ज्ञात करना, प्रतिस्थापन द्वारा कोड ज्ञात करना। अब प्रतिस्थापन में ये कौन सी क्रिया आ गई भाई? तो जैसे कुछ लोग कहते हैं नमक को खाना कहा जाए, खाने को मिट्टी कहा जाए, मिट्टी को फलाना कहा जाए, इसको ये कहा जाए, तो इसको क्या कहा जाएगा, वही आपका प्रतिस्थापन होता है। यानी प्रत्येक शब्द को क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है। बात समझ गई? इसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन का नियम कहते हैं। बहुत ही आसान होता है सब्स्टिट्यूशन नियम, ठीक ना। देखिएगा क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट देखिएगा, देखिए यदि नारंगी को मक्खन, नारंगी को मक्खन, देखते रहिए आप लोग क्वेश्चन, नारंगी को मक्खन, मक्खन को साबुन, मक्खन को साबुन, ठीक, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, साबुन को स्याही, आगे लिखिएगा स्याही को, स्याही को शहद, स्याही को शहद, और शहद को लाल, शहद को लाल कहा जाए तो कपड़े की धुलाई में, कपड़े की धुलाई में क्या प्रयोग किया जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिएगा, बताया गया कि नारंगी का संबंध किससे है, मक्खन से, मक्खन का संबंध किससे है, साबुन से, साबुन का संबंध किससे है, स्याही से, स्याही का संबंध किससे है, शहद से, और शहद का संबंध
किससे है? लाल से है। ठीक, तो पूछा गया है कि कपड़े की धुलाई के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा। जनरली आप इस पे सोचेंगे, जनरल रूप में अगर देखा जाए तो कपड़े की सफाई के लिए क्या प्रयोग करते हैं? साबुन। कपड़े की सफाई के लिए क्या प्रयोग करते हैं? साबुन। ठीक, अब देखिएगा साबुन को क्या कहा गया है। साबुन को यहां से देखो, साबुन क्या कहा गया? स्याही कहा गया है। ठीक ना, इसका मतलब आप जिस भी जो भी कपड़ा आप धुलाई करेंगे किससे करेंगे? स्याही से करेंगे। ठीक ना, अब साबुन प्रतिस्थापित कर दे रहा है। साबुन को प्रतिस्थापित कर दे रहा कौन? स्याही। यानी आप साबुन के स्थान पर क्या लगाओगे कपड़े में? स्याही लगाओगे। बात समझ में आई बच्चे? ठीक है, चलिए भाई अब आज इतना ही ब्रेक करते हैं। ठीक, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक, आप लोग क्वेश्चन को प्रिपेयर करें। ठीक ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक, और एक चीज बता दें आपको, इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि भाई वीडियो को आप पूरा देखें। ठीक ना, तभी आप एग्जैक्ट समझ पाएंगे क्या होगा इसमें। ठीक ना, वीडियो को देख करके छोड़े ना उसे। ठीक ना, उसको पूरा करिए। आपका मैं गारंटी ले चुका हूँ कि आपको कोडिंग डिकोडिंग आपका पूरा रीजनिंग में साल करा के अच्छे से छोड़ूंगा। ठीक ना, तो आप वीडियो पर पूरा टाइम दीजिए। जो भी आपके एक घंटे का लेक्चर बनता है, 45-50 मिनट का जो भी लेक्चर तैयार होता है, ठीक, तो आप उस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और साथ में कॉपी और पेन को लेकर के बैठें। ठीक ना, आप ही हमारे लिए टारगेट हो। ठीक, मैं आपको पास कराने की जिम्मेदारी ले चुका हूँ और आपको पास करा के छोड़ूंगा। ठीक ना, अब तो देखो आपका भाई आरआरबी एनटीपीसी का डेट भी आ गया, एनटीपीसी का डेट भी आ गया। ठीक ना, हमारे यहाँ की जो फैकल्टी है, यहाँ पे देखो इस समय जो हल्ला बोल वाला प्रोग्राम चल रहा है, काफी मेहनत कर रहे हैं बेचारे। ठीक ना, और अंततः उनको सफलता मिल ही गया है। ठीक, और डेट आपको कंफर्म कर दिया कितना? 15 दिसंबर। इसका मतलब क्या है? टाइम आपके पास बहुत ही कम है, आपको इसी में पढ़ना भी है और आपको इसमें प्रैक्टिस भी करना है। ठीक, तो जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे, ठीक, तो आपको समझ में कम आएगा। अब ये बताइए 15 दिसंबर कौन सा बहुत ज्यादा है? अगर आप 12 घंटे सो रहे हो, ठीक, तो आपके पास 12 घंटे बच रहा है। ठीक, सोने की टाइम खत्म करो, मैक्सिमम 6 घंटे बस, इससे ज्यादा ना सो, नींद को तैयार हो जाओ से। ठीक, और 6 घंटे में आप रीजनिंग के लिए मात्र ज्यादा नहीं आपको टाइम देना, मात्र कितना? रीजनिंग के लिए आपको 1 घंटे डेली टाइम देना है, मॉर्निंग में 8 बजे, मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक का। ठीक, रीजनिंग आपका मजबूत हो जाएगा। इसके बाद 9 बजे से आपका प्रभात सर जीएस के लिए आते हैं, और जीएस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिलेबस का एक बार हम जिक्र कर देते हैं। ठीक, एनटीपीसी में सिलेबस क्या क्या आएगा? ठीक ना, देखिएगा एनटीपीसी का जो आपका सिलेबस है, जिसमें आपका 3 पार्ट है। पहला पार्ट है आपका रीजनिंग, दूसरा पार्ट है आपका मैथ, तीसरा आपका है जीएस। ठीक, तो आपके 30 क्वेश्चन तो रीजनिंग आने हैं, 30 आपके मैथ आने हैं, और 40 क्वेश्चन आपका क्या आएगा? जीएस आएगा, जिसमें से आपके लगभग 25 क्वेश्चन क्या होंगे? साइंस के होंगे, SCIENCE। ठीक ना, साइंस के होने वाले हैं। ठीक, बचा 15 नंबर में आपका करंट अफेयर्स और जीएस दोनों रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपका क्या फायदा करा दीजिए, 30 रीजनिंग आ रहा है, 30 मैथ आ रहा है, दोनों मिला के कितना हो रहा है? 60 हो रहा है। अगर मान लीजिए आप गलती नहीं करते हो तो 30 में आपको हमें गारंटी लेते हैं कि लगभग 28 से 29 नंबर तक का हम खींचा देंगे। हम एक दो नंबर की गारंटी नहीं ले पाते भाई, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है मिस्टेक कर दो। ठीक ना, हम तो यहाँ से पूरा बता के भेजेंगे, पूरा प्रिपेयर करके भेजेंगे। कभी कभी क्या होता है, अंडर प्रेशर की वजह से आपका मिस्टेक हो सकता है एग्जाम में, है ना। तो 30 क्वेश्चन में यहाँ भी देख लो, 30 क्वेश्चन में कितना कम लौटते गिरते पढ़ते जाओगे, 25 क्वेश्चन आपका यहाँ से सही हो जाएगा। कितना हो गया लगभग आपका? ठीक, 54 नंबर आपका यहाँ से कंफर्म हो रहा है, 54 नंबर। ये बताओ 60 में अगर आप 54 नंबर ला रहे हो, कम नहीं है? तो साइंस में और जीएस मिला करके, यानी इस 40 नंबर में
क्या आप 20 नंबर गेन नहीं कर पाओगे? कितना बन गया आपका? 64। और आप क्या हो गए? पास हो जाओगे। ठीक, लेकिन ध्यान में ये रखना कि आपको गलती नहीं करना बेटा, क्योंकि गलती कितना है 1/3 यानी 0.33 आपका। ये जो 64 मैंने बताया इसके साथ में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्ट 64 अगर आपका आया, गलती नहीं है, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होता है, तो आपको सीधे 64 पहुंचाएगा कितना? 84³। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।